This is the future. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेमिंग साइड। और गाइस, फार्मिंग सिमुलेटर 22 के एक और बहुत ही एक्साइटिंग न्यू गेम प्ले में आप सबका वेलकम है। और आज की गेम प्ले में एज यूजुअल मुझे ज्वाइन किया है जलानी साहब ने और कमर भाई ने, आपके फेवरेट कमर भाई ने। और आज की गेम प्ले में हम लोग जो है वो बहुत सी चीज़ें जो है वो इंटरेस्टिंग सी करने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज मतलब अब से हमारे गेम प्ले जो है वो डे बाय डे इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग तर ही होते जाने हैं। तो ये मुझे लाइन वैसे ही बोलनी छोड़ देनी चाहिए। एनीवेज़, आज के गेम प्ले में हम लोग क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताता थोड़ी देर में, सो कीप वॉचिंग। हाँ तो जलानी भाई आए, चलते हैं, आप तो वहीं पे खड़े रहे। तो आज सबसे पहले हमने जो है वो अपनी क्रॉप्स हार्वेस्ट करनी है, बिकॉज हमारी जो है वो क्या बोलते हैं यार उसको, जो ग्रेन मिल है ना, क्योंकि हम ये प्रोडक्शन चेंज के साथ चल रहे हैं तो उसमें आटा फिर से ख़त्म हो गया है। तो सही मतलब हो गया, हमने वीट आटा की ख़त्म हो वो गई। नहीं की, सप्लाई नहीं की। हाँ, हाँ वीट ख़त्म हो गई है तो वो आउट ऑफ सप्लाई हो गई है। तो सबसे पहले तो ये जितनी भी हमने प्लांट की हुई है वीट, इसको हमने हार्वेस्ट करना है। और कुछ साइलों हार्वेस्ट में करके वीट वहाँ पड़ी पहुँचाना हुई है। है। हाँ, कुछ साइलों में वीट पड़ी हुई है, उस इसको और उसको मिला के है ना हमने जो है वो ग्रेन मिल आज जो है वो उसकी मौजें लगवा लेनी। उसके बाद वहीं से हम लोग जो है वो अपना फ्लोर आटा उठाएंगे, और आटा उठा के वो बेकरी पे जो है वो डिपॉजिट करेंगे, जमा कराएंगे। और देन ग्रेप्स हमने कल प्लांट किए थे, आप मिसिंग थे, तो उनकी जो है वो थोड़ी सी केयर करने वाली है। उनके नीचे ग्रास और वीड्स वगैरह उगी हुई हैं, तो हम मल्चिंग करनी है और उनको कल्टीवेट करना है। एंड देन हमारे कुछ सही हो गया। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जमा हुई पड़ी हैं जो कि हमने सेल करनी है, पैसा भी काफ़ी बन सकता है आज हमारा एक बार फिर से, तो करना वो भी काम जो है चाहिए, वो पेंडिंग करना है। चाहिए। मैं अभी देख रहा हूँ हमारा अकाउंट जीरो आ रहा है, मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा फॉर्म मेरे ख्याल में। हाँ जी जी बिल्कुल, आपको फॉर्म जो है वो कर ज्वाइन लिया, करना टू पड़ेगा। सेवन वन आ गया जी, माशाल्लाह काफी लंगर आ गया। तो चलें, हार्वेस्टर आज कौन ड्राइव करेगा? चलो मैं करता हूँ ड्राइव। कौन सी हार्वेस्टर? ये वाली वीट हार्वेस्टिंग हार्वेस्टर। करनी है। वीट हार्वेस्ट, वीट है हमारा। हाँ है बिल्कुल, हाँ, इसमें वो कल तीन ओट्स चार प्लांट फसलें थे वो पड़ी हमने हुई हैं, हार्वेस्ट कर लिए। तो बताए चलो, रखता हूँ। कमर बैठ गया है हार्वेस्टर चलो में। फिर मैं ट्रैवल टेन लेके आओ। फिफ्टी में बैठ गया हूँ। हाँ, आप जो है वो इसको करो टिप्पर अपना। लेके आए, टिप्पर लेके आए। हाँ, मैं टिपर लेके आया। तो ओके, जलानी साहब आप जो है वो करें इसको पीछे पीछे कल्टीवेट। कल्टीवेटर हाँ जलानी मैं क्या साहब, पे? मैंने कल है ना एक बड़ा बड़ा अपना आप कन्फ्यूजन एक कल्टीवेट वगैरह लेके आए शायद, कन्फ्यूजन एक क्लियर किया यही आवाज़ इसमें ड्रॉप हो इसने गया करी। सिम। अब ठीक आ रही है? चलो वो उसको आ रही होगी। आप ऐसा करें, ले आएं टिपर। टिपर कौन ला रहा है? मैं ला रहा टिपर हूँ। आसमी क्या लेके आ रहा है। क्या? हाँ, मेरी जो हार्वेस्टर है ना, इसमें ओट्स है ना अभी, तो ये पहले हाँ एम्प्टी चलो, करनी है, बाद में शुरू करेंगे हम वो हार्वेस्टिंग। तो सही है ना। आप कल्टीवेटर ले आएं, कल्टीवेटर के साथ साथ करते हैं आसमी, फिर दोबारा ले आएगा सीडर। श्योर, चलो अभी ले आओ, चले मैं वो भी कल्टीवेटर आ रहा लेके है, आ रहा हूँ। वो भी आ रहा है। उसकी आवाज़ नहीं आ रही वैसे, वो आ रहा है। अच्छा, तो मैं बोल रहा था क्या कि कल मेरा बड़ा एक ना कन्फ्यूजन करेक्ट किया मैंने अपना। वो ये था कन्फ्यूजन कि इस गेम में अब कल्टीवेटर्स हैं दो टाइप के, एक रेगुलर कल्टीवेटर्स हैं, एक हैं शैलो कल्टीवेटर्स। तो जो शैलो कल्टीवेटर्स हैं उनकी रेंज ज़्यादा होती है, वर्किंग रेंज, लेकिन उनका डाउन साइड ये है कि वो सिर्फ ऊपर ऊपर वाली ज़मीन है ना उसी को मतलब के कल्टीवेट करते हैं। ये जो अभी आप कल्टीवेटर पीछे डाला हुआ है ये एक ट्रू कल्टीवेटर है, तो इससे जो है ना वो क्या होगा कि काफ़ी अंदर तक ये मतलब के ज़मीन को कल्टीवेट करेगा। डीप हाँ, कल्टीवेशन है। तो जो पहले वो टेक्सचर आता था ना कि जैसे थोड़ा सा स्ट्रा ऊपर मिक्स हुआ पड़ा है, वो इससे नहीं अभी आता, वो शैलो कल्टीवेटर से ये आता है क्या हो रहा है आज, लेटेंसी ज़्यादा है क्या चक्कर है? हाँ, एमएस मेरा कुछ। 600 पे, अच्छा, ओ माय गॉड। आप अपने इंटरनेट चेक करें, हमारा बिल्कुल ठीक चल रहा है। मैं तो मुड़ क्यों नहीं रहा ट्रैक्टर, अभी भी नहीं चल रहा। लेट अभी मी आपका चेक यार। वैसे हमारी तरफ से ना वैसे ही अटका हुआ है ट्रैक्टर आपका। वो फेंस के ओए साथ आसम, स्टक है। हाँ, हाँ यार, यहाँ कोई टोए टिब्बे से हैं, है ट्रैक्टर बड़ा थोड़ा उठता है सा। यार यहाँ से। हाँ, है थोड़ा हाँ सा। ये देखो, मेरा भी, मैं भी पहले ना कल्टीवेट डाल के यार ला कमर, रहा वो था बैठा पीछे। हो अभी नहीं गेम है इसमें, जब तक कोई बैठा ना हो हार्वेस्टर में एम्प्टी नहीं होती। और अच्छा, मैं ये तुम भी क्या कर रहे हो फिर? अन्य वाह जो है वो उधर रिवर्स कर रहा हूँ, मैं क्यों भी अनलोड क्यों नहीं हो रही है? ये न्यू गेम है भाई। जलानी साहब लगता है वैसे मिसिंग हो गए। हाँ भाई, वेट होगी वेट, नहीं अभी नहीं हुई।
हाँ भाई चलो भाई ये जितने हमें देखते ओट्स हैं। मिले हैं इनसे तो हमारे घोड़ों की दाढ़ भी गीली नहीं होगी। अच्छा क्या करें अभी ऐड ऐड दे के डबल कर लो इस पे ऐड जो है वो आते सही नहीं है, आते होते तो क्या ही बात थी। ये जहाँ भी चले जाओ ना ये किसी गेम में भी मोबाइल ये अच्छा चक्कर है कि ऐड देखो डबल कर लो। लो जी गाइस, जलानी साहब की ना तो आवाज़ आ रही है और ना ही कोई हरकत आ रही है ना वो कोई एटम कर रहे हैं, तो निशानी है यही है कि वो डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और हमें जो है वो अभी तक उसकी नोटिफिकेशन भी नहीं बिजली बिजली चलेगी होगी आई। हो सकता है वैसे की क्या की रहे जमें दोस्तों ना मैं सुनता पा सारी गलत तड़ियाँ हमने कहा यार जलानी साहब की ना आवाज आ रही आवाज आ रही है ना ही कोई हरकत कर रहे ना ही कोई हैं एटमें चिट्टे नजर आ शिकवे रही कर है रहे जे अल्लाह पूछे का तनु कान पीछे गल्लां करते जे मुंह ते गल कीती करो मैं कह यार बिजली शायद चलेगी होगी हुण असी ते भाई शुरू होण लगे सी पर उत्थे ही फड़े गए। हाँ हाँ जी अब हो गए सही आपका। भैया हाँ इसकी हाँ विड्थ वाकई बहुत कम है। लेकिन ये तुम है लेके आओ ट्रू आसू कल्टीवेटर है। ओ यार मैं भी जल्दी से कहूँ ये क्या क्या मुसीबत है भाई, हुआ डेड जोन आया हुआ है, टायरों में फिक्स करके आता हूँ। ये तो सारी अच्छा उसके गेम बाद में ना मेरी ड्राइविंग ही खराब होती रहेगी ऐसे। तो पहले कौन सा अच्छी होती है ओए लोग मेरी भी यार नहीं है, मैं भी जा रहा हूँ फिर जा रहे हैं मेरे माउस में भी डेड जोन आया हुआ है मैं भी जा रहा हूँ फिर मेरी तो माशाल्लाह से गेम भी डायरेक्ट क्रैश करती है, बंद नहीं होती है, मेन मेन्यू में जाती नहीं है। वो कहती है इत्थे अच्छा मार, मेरी डेस्कटॉप तो ते मेन मार। मेन्यू में जाती है। वो अच्छा मैंने अभी FS22 में ना लैन का टीनी देखी है रेल गाड़ी है हाँ हमारी इसी मैप के साथ गुजर रही होती है रोज ही देखा नहीं। बल्कि अब अच्छा तो उसका स्टॉप भी नजर आता है रेलगाड़ी का। यार दरअसल आप लोग ना 4K पे खेलते हो नहीं वैसे ही नजर आ 4K का रोला नहीं है वो, 720p को भी नजर आती है। हाँ अच्छा यार ये क्या चुप सीन है भाई, अभी मैं दोपहर को सारे रेड जोन ठीक करके हटाऊँ और फिर आ गए। ये मुझे दोबारा सफाई करने पड़ते हैं आप भी कह रहे हो नहीं हर दफा नहीं याद करने तो पड़ते, है। जब करना भूल जाए ना तब करने पड़ते हैं। कोशिश कसम से नोटिस कीजिएगा, जिस दिन आपको याद हो ना कि मैंने डेड जोन चेक करना है उस दिन ही आया होगा। कौन आया यार भैया सुन ना पहले तो जलानी साहब आ गए मेरी गेम ही क्रैश कर गई थी तो मैं क्या करता। तो वैसे तेन बंद करके चलानी पैनी अच्छा चलें जी मैं आ गया हूँ वापस, और अभी हमारा काम है इसमें कल्टीवेट करने करना। का कल्टीवेट सिंक्रोनाइजिंग। आ गया आसिम साहब मैं भी आ याद गया, दिला देता हूँ आपको थैंक यू। अब मैं हमें परेशान हो रहे थे ओ कि शिट क्यों हो रहा है वो पता होने लगा अब डेड जोन सी। मैं भी उधर यार रिवर्स कर रहा था अपना ट्रैक्टर, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं क्या यार ये पिंग ठीक आ रहा है ट्रैक्टर हो की फिर भी ऐट रहा में कर रहा मरासी का ट्रैक्टर है है यार क्या इस फील्ड को हम गलती से फर्टिलाइज कर बैठे हैं क्यों क्या हुआ है ज्यादा यील्ड आ ज़्यादा रहा है। ये। जी भाई 100% ये यील्ड बोनस नज़र नहीं आ रहा उसके ऊपर लिखा हुआ, उतर के देखो। आसिम 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 जी याद है हम लोग कह रहे थे कल्टीवेट करने के बाद टेक्सचर बदल नहीं रहा था वो, एक्चुअली वो डीप कल्टीवेट नहीं थे इसलिए ना इसमें बदल रहा हाँ खैर वो शैलो कल्टीवेटर्स तो इन्होंने एवं ही खाची मारी है। और ये क्या है। कर आज रहे चेक हैं कर लो जी सजी साइड तुम्हारी गुजर ही ट्रेन कभी साइड पे सजी साइड वाली सजी। हाँ सही है पाइप बार वही ने कर क्या दे ओ हाँ सच पाए भी बाहर कटना पड़ता बस और ठीक और पाइप ना लाना किया तो आप ही निकल गया पाइप ही यार। करना है पाइप ही और कुछ नहीं हाँ हार्वेस्टर था भाई पाइप आ रही है ना ये क्या साइड स्टक पे हो ना रहे हाँ हो, थोड़ा सा साइड पे हो जाओ इसके बाद तुम क्या लेके आओगे एक मैं बांदरी बस लेके आओ वहां एवं पे तमाशा करो मैं बस एवं ही इत्थे गपशप।
नहीं यार, मैं ना इसको बाकी का भी फिल करूंगा और उधर अनलोड करके आऊंगा ग्रेन मिल के ऊपर। और रुक जाए एक मिनट, अभी रहती है 33%। और मैं भी बस यार स्टेयरिंग व्हील के चक्करों में थोड़ा सा। अभी भी रहती है 10%। चल भी ले जाओ, बगाल दे। और लैग 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 लैग, ओए होए होए होए, क्या हो रहा है? एकदम से वो आउट टेलीपोर्ट आके कर फेंकता है जाता है बंदे ना। को। आओ ओके जी गाइस, मैं फर्स्ट तो पर्सन से गेम प्ले बना रहा हूँ। ये 26% हो गई है फुल, और मैं बाकी की जलानी साहब फिर भर के है ना ग्रेन मिल पे, एक ट्राला जो है वो उतार आता हूँ तब तक जो है वो, ताकि हमारी ग्रेन मिल जो है वो फंक्शनल हो जाए, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस करे वो। मीनवाइल मुझे लगता है उसने आटा भी काफ़ी अच्छा, मैं बना के रखा हुआ है, क्योंकि मैं ना आज जब गेम खेल रहा था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लोर उठा के ना वो किया था डिलीवर बेकरी पे। ब्रेड और बेकरी में क्या बना फिर? ब्रेड बनने और क्या बनने, ब्रेड और बेकरी। मोटे मोटे बहुत कोई मोटे मोटे ब्रेड नहीं यार, हम बनाते। खाता कौन है? ओ वो बड़े ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, चेक किए खा के? हमारे तो इधर बनते ही नहीं है उस तरह के। वो तुम्हें याद है एक मूवी हम देख रहे थे रातातुई? राता तू ही केड़ी केड़ी मूवी थी? यार आप लोगों को वाकई नहीं पता दोनों को? राता तू ही नहीं, नाम ये दा ना तुसी, दोबारा। ए मूवी का नाम नहीं ये तुसी रखे होया है हिंट कि जी मैं कमा तेंज होना नहीं सर, है ये मूवी का नाम है रातातुई, और बेसिकली ना ये जो है ना वो डिश है एक कमर साहब, मैं रातातुई। नहीं मनन लगा, ए वाकई दूसरी मूवी है। यार वो एनिमेटेड मूवी है जिसमें एक रैट जो है वो कुकिंग कर रहा होता है, और ये बेसिकली मूवी बेस्ड है एक डिश के ऊपर जिसका नाम है रातातुई, और वो उसमें जो है ना वो बेकरी में वो जब ब्रेड बना रहे होते हैं तो बिल्कुल वो सेम ब्रेड इन्होंने ना वो ऊपर टोकरी के रखे होते हैं, जो उसमें जो वो ब्रेड वो लड़की जो है ना उसको मरोड़ के बता रही होती है कि इस ब्रेड का क्रस्ट चेक करो, इसके अंदर जो है वो कुकिंग लेवल चेक करो वगैरह शगैरह, तो वही एग्जैक्ट सेम ब्रेड इन्होंने भी इधर रखा हुआ है। जब हम वो पैलेट उठाते हैं ना बेकरी के ऊपर से ब्रेड वाला, तो वो ब्रेड जो है एक साइड के अच्छा ऊपर अच्छा पड़ा होता है। एड्डी लंबी राम कहानी है, इस गलती आ रही सी। कोई गल नहीं, मैं क्या पता नहीं की दसन लगे जे, वो राता तू ही सुन ले जे। कमर कमर साहब ऐसी सुन राता तू ही। ले। अच्छा भाई, प्रोडक्शन चेन में और क्या 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 चीज़ बनती है? एक तो ब्रेड बन गए, ओलिव ऑयल, उसके पास ब्रेड सनफ्लावर ही ऑयल, आएगी। कनोला ऑयल, ऑरेंज जूस, केक, कपड़ा, ओलिव ऑयल वही फर्नीचर, नहीं होता कपड़ा, फर्नीचर फर्नीचर, और इसके अलावा होता शुगर और कुकिंग और ऑयल। फर्नीचर भी बनता है? जी फर्नीचर बनता है कारपेंट्री पे, वुड शॉप के ऊपर। अच्छा, बड़ी बात है भाई, इसका मतलब हमें फ्रेशरी करनी चाहिए फिर। यह मैं जलानी साहब सोच रहा हूँ कि अब हम है ना कोई एक दो दिन बाद सीजन्स मोड स्टार्ट करें, क्रॉप तो वैसे ही बड़ी स्लो हमारी ग्रो हो रही है, तो मतलब हम किस कर चीज़ लें का वेट कर रहे हैं? कर लें, व्हाई कर नॉट लेते हैं कर लें, शुड बी समथिंग डिफरेंट। सीजन जो है वो थोड़ा अच्छा शॉर्ट कर यार, लेंगे, और यार मैं डेज फर्नीचर मतलब। बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ यार। चलो वो कौन सा उन्होंने तुम्हारे से? पता नहीं, अब वैसे मैंने देखा नहीं है किसी को बनाते हुए, हो सकता है कुर्सियाँ टेबल ही बना के वो रखते हो सामने, या वो डब्बा सा रख देते हैं, कहेंगे कि जी इसमें फर्नीचर पैक है। इसमें फर्नीचर निकलेगा। जिलानी चल साहब आज भाई, मैंने ना तू गेम की थोड़ी सी ग्राफिकल सेटिंग चेंज की है, मैंने एफओवी चेंज की है, अभी थोड़ा सा ट्रैक्टर और सारी चीज़ें बड़ी बड़ी नज़र आ रही हैं, और मुझे नहीं पता, मुझे तो ये अच्छी लग रही है लेकिन व्यूवर्स को पता नहीं अच्छी लगती है या बुरी, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट एफओवी थी ना वो कुछ ज़्यादा ही वाइड थी, चीज़ें डिस्टोर्ट होना शुरू हो जाती थी साइडों पे। सही। और यार ट्रेन तो ये कभी आ रही है, कभी फिर आ रही है, वापस नहीं जा रही है, घूम अच्छा के आ रही इस है मैप बस। में ना चीज़ें आप जो है वो गोल्ड क्रेस्ट वैली में सेल कर सकते हैं, ये जो ट्रेन है ना गो हाँ तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यार ये देखो लाके, वैसे मेरा ट्रैक्टर जो है वो
वो जैसे वो बकरे को नहीं बोलते थे वो बता तेरा मालिक कौन है, वो मुंह ऊपर करके बोलती थी कि अल्लाह ये मेरा ट्रैक्टर भी वही काम कर रहा है। जलानी साहब लगता है फिर कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो गए। नहीं मैं अच्छा डिस्कनेक्ट नहीं हूँ, मैंने फसा दिया जो निके जे कल्टीवेटर थे कल्ले एक मल्ले में। मिनट आप इधर आ जाएं, इधर आ जाएं आप जलानी भाई, ऐसा करें वो लेके आए टिपर, हाँ तो ये मैं मैप है हेल्पर ना करता हूँ। गोल्ड क्रेस्ट वैली से कनेक्टेड है, और इसमें एक चलो ये हेल्पर सैरिंग बुला लिया। स्टेशन है जिसमें आप अगर, नहीं सॉरी ये नहीं अल्म क्रीक है। आज से मैं हेल्पर नहीं लग रहा मुझे, बनाओ मैनेजर। ओह हाँ सच, हाँ मैंने वो मुझे ना बनाओ भाई, किया था दोबारा। हर बारी को कम पाया होता तुसा यार। ये तो 100% फुल हो गई है, रुक जा यार, ये बहुत यील्ड आ रहा है। कहाँ गए भी ट्राली, आ रहा हूँ मैं लेके, कहाँ है अभी ट्राली अभी आसम? हो गए हो आप लोग दोनों फार्म मैनेजर, चेक करो ज़रा। ट्राली कहाँ है? यार अच्छा मैं आ गया हूँ, बोल तो रहा हूँ लेके आ रहा हूँ। मुझे सीडर भी चाहिए है ना। बस यार ये बाकी के फील्ड किसने हार्वेस्ट करने की, हो गया जी तो मतलब मतलब हेल्पर तो कर लगा तो दो रहे हैं ना हार्वेस्ट। बाकी के फील्ड के ऊपर। हाँ तो कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं यार, इतने बुरे नहीं, हम करते हैं चलो खुद। मैं आ रहा हूँ सीडर ले, टिपर लेके, सॉरी अच्छा ऐसा घोड़ा करते हैं टिपर आसम, नहीं खड़ा। ये कोई ओए बैठे आसम, बैठना पड़ेगा किसी को इसके अंदर, फिर ही अनलोड होगा। सारे ट्रैक्टर किधर गए बड़े? बड़े यही हैं यार। हाँ आप अच्छा लेके आसम आ गए पता वो, क्या ओके करें, ठीक। हाँ ये सीडर है ना, और ये क्या आटा, मैं उठा के ले आ रहा हूँ। भाई ये तो हम, तेने पता की लेके आ रहे हैं तू। अच्छा यार ये हम हेल्पर पे लगा के ना जाते हैं वहाँ पे, वो ग्रेप्स है ना उनको मल्चर वगैरह जो यूज़ करना बिल्कुल है वो बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, अभी। क्योंकि वहाँ पे अलग ही फ्लीट चाहिए, ये ट्रैक्टरों का काम ही नहीं है उधर। हाँ, और चलो जब आ हम जाओ वापस चलते हैं। आएंगे ये काम हुआ पड़ा होगा। मैं यही कहने वाला था, आ जाओ जी जलानी साहब अच्छा क्या प्लान क्या करना है अब, शॉप के ऊपर आए, शॉप के कॉर्न ऊपर कॉर्न प्लांट करूँ कॉर्न? शॉप विजिट करें। हाँ कुछ नहीं, कोर नहीं प्लांट करो तुम, ऐसा करो कि कनोला प्लांट करो। अभी हम नेक्स्ट जो हमारी प्रोडक्शन है ना वो हम कनोला ऑयल की स्टार्ट करेंगे, ऑयल की। जी मैं शॉप पे आ गया हूँ, यहाँ पे एक छोटी यार सी मैंने पड़ी जो है टिपर टाइप, इधर एक मेरे पास स्प्रेयर आए, लेके आया मेरे हूँ ना, पास आए। हाँ, और जो मैं सीडर लेके आया हूँ उस पे तो कनोला है ही नहीं। तुम प्लांटर उठा लाया यार, अमेजोन ओके काउंटर पड़ा हुआ है साइड पे वहाँ पे। ये फेंस कैसे पार करनी है, मेरा तो ये अबूरी नहीं हो रही। उस तरफ से आए ना, ये है एंट्री। कमर जल्दी आओ भाई, अभी तुम्हारा अमेज़ॉन वेट हो रहा यार, मेरा वेट ना करो, तुम स्टार्ट मुझे करो बता मेरे देते मैं लिए। व्हीकल स्विच कर लेता, एमएम ने ना पद पाई। मैंने कहा हमें सरप्राइज ही रहने दे। हाँ भाई चूज करे अपना ट्रैक्टर कोई एक। लंदिनी और फैंट और कौन सा है, दो ही हैं? दो ही हैं बस, एक और फेंट है, अच्छा लेकिन वो दूसरा भी फेंट ही है। फ्रंट तो इंसल्ट ही है फिर, चिड़ा छोटा से। चले क्यों भाई इतनी अच्छी शेप है लंदिनी, इसकी। लंदिनी पे भी चले वो हाँ, आपकी इतनी अपनी अच्छी मर्जी शेप है है, इसकी, चले आ ये हम ही जाए। लोगों ने फार्म ये पे रखा कुछ रखा है। हमने किया हुआ है, ये मेरे पास मल्चर है। हाँ मल्चर पहले यूज़ करना है, ये हमने कुछ मल्च किया हुआ है, बाकी का हमने अभी करना है। ओके अभी हम ये अंगूरों की मतलब बेलें हैं, बिल्कुल, ग्रेप्स की, हाँ ग्रेप्स की वाइंस है इन इन उर्दू अगर आसानी से बताया जाए तो जी किसी को। जी अंगूरों की बेलें हैं यही करना है या पीछे करना है, ये। जैक सर चेंज यहीं पे नज़र आ रहा हाँ है। थोड़ा सा हुआ पड़ा है, इससे आगे आ जाएं आप। नहीं ये करने वाला है ना जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिस रो में देखे ना आप। नहीं वो हुआ पड़ा है। अच्छा इससे आगे करना है, क्योंकि ये दो ही हैं जो टेक्सचर आ रहे हैं नज़र, एक इधर वाला एक इधर मैं वाला। लेके आ रहा, जिधर बड़ा बड़ा ग्रास है वहाँ पे आपने शुरू करना हाँ यार तो फिर मैं वह करने लगा था ना यार, क्या कर रहे हो, वही कह रहा था मैं, अब मुझे देखा नज़र दुखा नहीं कुनिया आ में कह रहा, रहे हो ना, नहीं मुझे कसम से, मुझे लगा आप इधर इस ट्रैक्टर में खड़े हो। आप बताओ मुझे नज़र आ रहे हो आप, मुझे मैं आपको नज़र आ रहा नहीं हूँ नहीं मुझे लगा आप मेरे ट्रैक्टर के साथ खड़े हो ना, दूसरे वाले में। सही। अगली रो में चल, चले ठीक है मैं यहाँ से ना, बल्कि आप चले जाएँ, आप मैं वहाँ आके पे बताऊं फिर, करीब है, मैं अभी काफ़ी आगे आ गया। ये जलानी साहब आसम का के ट्रैक्टर इंतजार है थोड़ा सा बटन के। बड़ा है ना,
हमारे यार ये मेरे वाला बिल्कुल ट्रैक्टर तो कसम से हमारे बहुत बहुत पतला ही ट्रैक्टर है यार, पतले हैं, मेरे जैसे पतले हैं। कमजोर तरीन ट्रैक्टर है बेचारे, ऐसा लगता है जैसे इनको बुखार चढ़ा हुआ है। बुखार और पतला नहीं होता, इन्हें तो कुछ थैलीसीमिया ही है। चलो भाई करता रहिए ना काम, अपनी अपनी रो सिलेक्ट कर लो। एक मेरे लिए छोड़ देना, नहीं टच नहीं हुआ अभी, सही है ना? नहीं मेरे हिस्से में कौन सी है, ये वाली? ये कब तक अंगूर आसम लगेंगे? ये मेरे ख्याल से 5 5 5 गेम डेज में लगेंगे, रेडी हो जाएंगे। अभी तो इसके बाद अल्लाह के बंदे हमने स्प्रे करनी है, और इसके बाद बल्कि इनको कल्टीवेटर यूज़ करना है, फिर स्प्रे यूज़ करनी है, स्प्रे करना है इनको, नहीं और तो फिर गवांडियों एक को। बंदा वो करे ना काम, क्यों सारे काम कर ये भी तो रहे करना ही है, हैं? मल्टी काम हो रहा है, सही बात है, एक तो फिर वैसे मल्टीपल मतलब टाइम। कि उसको सदियां लग जाएंगी भी, एक दफ़ो हाँ ये मतलब 3x काम हो रहा है, थ्री एक्स हाँ वन गो में 3 लाइनें जा रही हैं, वो फिर एक लगा रहेगा कल्ला ही। एंड गाइस यहाँ पे समहाउ बातें करते कराते हमारी जो है वो कल्टीवेशन का प्रोसेस जो है वो ख़त्म फिनिश हो चुका है ग्रेप्स अल्लाह अल्लाह की। करके कल्टीवेशन कंप्लीट होगी। जी आपको जो है वो नज़र आ रही होंगी कि कुछ ग्रास बड़ा हमने सुन की छोड़ आवाज, दिया है वो इनके दरमियान आवाज में भी नहीं आई बेलोंगे। यार कम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि थोड़ा थोड़ा ग्रास बीच में रह गया है बेलों के नीचे। उसकी रीज़न ये है कि गाइस ये हम इसके नीचे तो घसेड़ नहीं सकते किसी तरह, और दूसरा दूसरा राउंड लगाते वक्त भी हमें थोड़ी सी जो है वो पहले ही बड़े मुश्किल से लगाया तो दूसरा क्या लगाना था। तो इतना मतलब मैटर नहीं करता, रियल लाइफ में भी थोड़ी बहुत होती है। अभी हमारे पास कौन सा बेलचे हैं कि हम इनके नीचे से जो है वो करते रहे। सो एनीवेज दिस इज़ व्हाट इट इज़, और होपफुली इसमें जो यील्ड का इम्पेक्ट होना है वो नहीं होगा इससे, और जो हमने जो है वो ये किया है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है इनको स्प्रे करना है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इनकी फर्टिलाइजेशन स्टेट देखें तो ये 50% फर्टिलाइज्ड है, तो इनको स्प्रे करना ज़रूरी है ताकि हमें बेहतर यील्ड मिल सके, वरना इतनी मेहनत जो है वो किस काम की। और यहाँ पे जनानी भाई और कमर जो है वो स्प्रे लेने जा रहे हैं, और लेके आ गए हैं, रिफिल कर रहे हैं। जी ये स्प्रे ले लिए इन्होंने और रिफ़िल कर रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे रिफ़िल करेंगे और मैं इनको स्पेक्टेट करूँगा थोड़ा सा। उसके बाद जो है मैं फार्म पे जाऊंगा, वहाँ पे काफ़ी चीज़ें जो है वो सेल करने वाली पड़ी हैं, मैं चीज़ें अरेंज करता हूँ ताकि हम लोग जो है वो आज थोड़ा सा प्रॉफिट भी कमा सकें, वेले ही ना रहें हम लोग। लॉस्ट योर वॉइस अगेन। अब आ रही है आवाज़? चलो चलो जी जी, इतना बहुत है, अरे बहुत है, ठीक हाँ है। बहुत है, आ जाओ भी आ जाओ, हम दोनों जाग करते हैं। और चले ये जी कुछ गाइस, अजीब करते हैं अभी सा ही है। स्प्रे, हमारे जो अंगूर हैं उनको, उनकी बेलों को। क्या अजीब है प्रेयर, यार ये स्प्रे कुछ अजीब लग रहा है, वो लास्ट यार उतने दो वेट चक्कर के हो हिसाब से गए बनाओ ना। दो चक्कर हो गए यहाँ, तो बार बार ठुक रहा हूँ इस जाली में। किस चलें तरह से शुरू जी, करते ये हैं? अभी जिलानी और कमर जो है वो यहाँ पे स्प्रे करने जा रहे हैं, मैं इनको थोड़ी देर स्पेक्टेट करूँगा, फिर फार्म पे जाके जो है वो जो अच्छा ये भी चीज़ें एक ही बेचने रो वाली करेगा हैं या ज्यादा करेगा? एक ही चेक कर लीजिएगा, ओए लेकिन एक ही करेगा नहीं, जितना आपसे हो सकता है ओए, कर लीजिएगा, और जहाँ पे आपने ख़त्म करना हुआ ना तो वहाँ पे इनको पार कर देना, इनको यहाँ पे सेट ना करना, बीच में इस फील्ड के पार कर देना ताकि मुझे पता हो कि कितना हो गया और कितना रह गया, और फिर मैं जब गेम चलो खेलूँगा सही मैं हो कर गया। दूँगा। अब वो आपको मैप से नजर आ नहीं जाएगा कितना हो गया। नहीं वो फिर मेहनत वाला काम है। नहीं वो भी ठीक, मैं कह रहा हूँ वैसे ये कर लेंगे, हमें मसला नहीं है, लेकिन वो ठीक नज़र ऐसे आ हाँ, जाएगा कितना तो ये फर्टिलाइज्ड होगा। 95% है, और हमें जो है वो 94% यील्ड बोनस भी मिलेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। क्या हो गया? ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हाँ करता है, भाई बिल्कुल इसको डेड सेंटर में ड्राइव करना पड़ेगा। अटक गया। तो गाइज ये हो रही है स्प्रे हमारे अंगूरों को, जलानी और कमर जो है दोनों स्प्रे कर रहे हैं। मैं चलता हूँ यहाँ पे अभी मेन फार्म पे हमारे। ये आसम ऐसे फ्रेंड से जान छुड़ा रहा है साफ पता लग यार मुझे है रहा ना, मेरा है खुद अपना दिल है फ्रेंड के ऊपर, लेकिन अब मुझे फ्रेंड की टक्कर का कोई ट्रैक्टर नहीं मिल रहा, भला अच्छा फ्रेंड 1050 का भी कोई कंपटीशन हो सकता है? हाँ हो सकता है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हाँ तो भाई मेरा भी फेवरेट है, फ्रेंड आप क्या मतलब कॉपीराइट रखा हुआ है आपने इसका? हाँ फ्रेंड बड़ा बकवास ट्रैक्टर है।
हेलो, जलाली वॉच साहब, आउट। एक मिनट, सवेरे क्या आपा ना क्या क्या मीटअप कह रहे हो? करते हैं ते बोरी ते डंडे दा इंतजाम करके लेके आयो। इंतजाम मैं कर लवांगा, उ थाने चुक लवांगा। उत्थे पईयां होंदियां ने डंडे, प्लास्टिक स्टिक होंदी जिहड़ी सर टुटदी भी नहीं, टुटदी भी नहीं ते लगदी भी बहुत है। ध्यान नाल अच्छा यार, दूध कितने मिलेगा? वेयर इज अवर मिल्क? दूध तो आई गेस हियर नहीं। हाँ इधर ही है, इधर वापस आ जाए डोर पे। अच्छा इधर ही है। हाँ मैं रिफिल कर रहा हूँ। ये चाह भैया कितने जा रहे हो? अरे गाइस, हमारे ट्रंक टैंक में जो है ना वो दूध फिल हो रहा है। तो गैस टका यहाँ नहीं पे मारना भाई, हम लोग ध्यान जो है रख। वो दूध फिल कर रहे हैं अपनी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए। जलानी साहब जो है वो नंबर ले गए, कमर को जो है वो मिल ही नहीं रहा था कि मिलना ना कि भरना किधर यार, है। मैं पहले नंबर पे हूँ। चलो चलो तुम मेरा हो पहले गया भर फुल। लो, जाना तो इकट्ठी है। तब तक मैं देख लूँ कि ये डेरी डेरी है कहाँ पे। डेरी ये क्या पंजा सा निशान है? ये मिल्क है नहीं कि नहीं ये पीछे है वाला? वही। अच्छा ये वाला। चलो भरो। यार इतना इन्होंने सिंपलीफाइड कर दिया है इस गेम में चीज़ों को। अभी क्या काउज को पानी भी नहीं चाहिए, ठीक है, एक ही टाइप की फूड चाहिए। जोन सी भी डाल दें आप, फिर भी आप लोगों को इतना हाँ पहले तो कंफ्यूजन पानी है। भी हाँ होता था। वो बड़ी स्पीड से हो रहा है भाई ये तो। रिफिल दो भी हो गया। आ जाओ भी आसिम, जल्दी करो आप। वेट 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 क्या कर रहे हो यार, कमर साहब? मैनू कहते सियादे ट्रैक्टर दाल वेख्या जो हूँ क्या है उसे? गंद वेखो बजा पे होंगे मिट्टी नाल। ये बड़ा बकवास ट्रैक्टर, बकवास कंपनी। ऐसे वैसे ही है ना। अब ये ना पकड़ना है सब। बनता तो है वैसे। हाँ मैं जाऊँ फिर यार, मैंने कहा था मैं अभी मिल्क लेके आ रहा हूँ उनको, स्टोर वालों को। स्टोर वाले ने केड़ा अगे जंज भाई हुई है। आ जाओ भाई। लो जी मुझे लीड करने दो, वरना तुम लोगों ने गवाच जाना है। कमर ब्रेकिंग लगा लो यार। एक मतलब बना थोड़ा सा एक कारवान बना के चलते हैं। ये क्या तुम लोग मतलब फासले फासले पे जा रहे हो? जलानी भाई किधर है? हेलो मैं आप लोग कहाँ पे हो? ओए चले भी गए, बताए नहीं, चुपचाप ही यार। आज है ना, असल में आप लोग आप ना वो चुपके चुपके लगा रहे हैं वो चस्का जात वो तो हाँ इसलिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आज जो है ना खराब हो रही है। तो ये अभी हम जा रहे हैं गाइस गैंग बना के मिल्क सेल करने। वैसे तो गैंग बना के लूटने वाला काम होता है, लेकिन चले। ऐसा ही करेंगे। हेलो, जैसे वो पैसे दिखाएंगे ना, पैसे उनसे ले लेंगे, मिलके भी वापस ही ले लेंगे। तो दाप पी लवांगे ना। हाँ पिस्तौल है ना आपके पास? वो वो तो तुहाड़े कोल भी होना है जरा, मेरे कोल है। आसम का ख्याल जो नाक है ना वो ही पिस्टल जैसा है। ओहो वाज गया ये। अब उसको आ लेने तो फिर उसको चावे को पता नहीं लगेगा। नहीं, मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ अच्छा जी, यार। बीकन्स तो ऑन रखा करो, क्या मसला है? लो हाँ जी यार बस भाई पता पहुंच गए लगे हम बेकरी के इसके ऊपर, डेरी के ऊपर। कौन पर कौन वो जा इसका रहा है। बीकन मुझे नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा एक मिनट, सेल करने से पहले इसको बाय कर ले और एक्टिवेट भी करना है अभी। करें, बाय करना है ओहो इस पे बनाने ना यार प्रोटेक्शन कमर, चेंज के ये हिसाब डॉली से। वाला है तो तुम है ना जरा ध्यान से ड्राइव करो, फिर तुमने पिटना है कि ये रिवर्स क्यों नहीं हो रहा। अच्छा ये क्या अंदर करने जा रहे हो? करने नहीं जा रहा यार, चीज़ का अभी हम करते हैं। ओके करें जी शुरू। कर हो लिया रहा है पिक्चर्स? बल्कि मेरे ख्याल से खुद ही अनलोड के नहीं हो रहा। नहीं 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 हो हो रहा, आपको रहा। पता वैसे। ओके चलो मुझे भाई लगता है ये इससे अगले सेलिंग स्टेशन पे होएगा अनलोड। इधर ही होएगा, इधर ही होएगा ऑटो और ये करना है। यार ये क्या मतलब मुसीबत है, मतलब थोड़ा सा होके खुद ही रुक रहा था, अब हो रहा है। ट्रिगर का इशू होगा, हाँ बड़े इशू हैं इसमें ट्रिगर के, मुझे बताएं। खुद हो रहा है, करना पड़ा है। करना पड़ा है आई प्रेस करके।
लो जी आ जाए, अभी इसको रिवर्स करने की नौबत ना लाइएगा वरना काम बड़ा ख़राब होना है फिर। डोली नहीं वालों नहीं की बड़ी मुसीबत है। असल में सिंगल प्लेयर हो ना, मतलब लैग ना हो फिर अलग बात है, लैग की वजह से वो बिल्कुल ही समझ नहीं आती इसकी। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ रुक जा भाई। अच्छा ठीक है ठीक तो ये हमारा चीज़ वाली अभी एक्टिवेट एक्टिव है, है। बटर इतनी वाली इतनी डीएक्टिवेट देर कर में लग देता हूँ रही मैं, सिर्फ चीज़ वाली कर देता हूँ एक्टिवेट। ठीक है जनानी साहब, 3 मिलक जी। ठीक के यूनिट्स यूज़ होंगे और 2 यूनिट्स जो है वो चीज़ के बनेंगे, साथ में प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी 24 पर मंथ, 24 डॉलर 24 सिर्फ $24 पर मंथ, जी। और पर मंथ या बारह ओवर। एक दिन में जो है वो साइकिल्स पर मंथ 1200, और इसको आप जो है वो कैलकुलेट कर लें 24 से, तो 24 को 1200 से ज़रब दे लें तो ये कॉस्ट आएगी इसकी प्रोडक्शन की। चलो खैर जितनी भी आ जाए मैं कौन इसको कैलकुलेट करे। सही है ना, हम चलें वापस। हाँ जी चलो चलो जी जी वापस चलते चलो जी। मैंने 10 फैंट कह रहा हूँ 10 50 बार के वापस ले लिया है। हैं। टेन पड़े के 50 बार ये पड़े वापस ले लिया है क्योंकि मैंने पहनी हुई फैंट की शर्ट, टेन पेंट तो फिर टेन मेरे पेंट चलाना बनता है। इतना वापस खास ये क्या नहीं, ठीक कर है ना, मैं आप बोल रहा है ठीक है ना, मैं आप ब्रेक ला ली रहे थी हो। ना लेकिन ना ना ना, तो भाई हाँ ऐसे तो लेकिन फिर हर हाँ बंदा ही कहेगा कि ऐसा कोई यो खास नहीं था। अभी मैंने यो चोना अभी वाला मैंने मजा नहीं थी। नहीं, वो भी हाँ कहता कि यार अभी कोई खास नहीं, अभी मैंने चोना खेला कह दिया। जी तो गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको आज का गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, हमने खूब बहुत मस्ती की और होपफुली आपको भी काफ़ी ज़्यादा ये जो है वो मस्ती हमारी पसंद आई होगी आज का गेम प्ले, क्योंकि एक दो गैप्स आ गए थे तो उसके बाद बनाए, तो हम लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और बातें शातें हमने काफ़ी की और काम भी जो है वो हमने ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा किए। लेकिन गाइज़ हर चीज़ का एक इख्तिताम होता है, तो इस गेम प्ले का भी जो है वो एंड आ चुका है। इससे पहले कि अभी हम इस वीडियो को ख़त्म करें, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जलानी साहब का अपना यूट्यूब के ऊपर चैनल है, बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, स्टीयरिंग व्हील के साथ बना रहे हैं, तो ज़रूर चेक करना है भाई के चैनल को और सब्सक्राइब भी करना है, और वहाँ पे भी जाके जो है वो कोई भी गेमिंग साइट का नाम शाम मेंशन कर दिया करो। क्या हो गया आपको, मैं हर रोज़ बोलता हूँ तो कोई तो बात मान लिया करो अपने भाई की। एनीवेज गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो अगले गेम प्लेस के लिए एक्साइटेड होगे उतना ही जितना हम हैं, तो हम सभी को दीजिए इजाज़त, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।